Something new today by Silly Sir. दोस्तों, आप लोगों ने एक बात गौर किया होगा कि हम लोग पृथ्वी को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं हर साल आज के दिन। लेकिन आज के दौर में हम कहीं ना कहीं पृथ्वी को अगर सेव करने की बात किया जाए तो हम सेव नहीं कर पाते हैं। अपने एनवायरनमेंट को बचाने की बात किया जाए तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, ना कि भारत की। तो क्या इसके पीछे रीजन क्या है? हम पेड़ पौधे नहीं लगा पाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है आज। लेकिन बात करनी बहुत ज़रूरी है, सरकार से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन इस जनता से क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। तो क्या आप अर्थ डे केवल व्हाट्सएप पे मनाएंगे, आप अर्थ डे केवल सोशल मीडिया पे मनाएंगे, या इसको आप ग्राउंड लेवल पे लेकर आना चाहोगे? जब तक आप इसको ग्राउंड लेवल पे नहीं लाओगे दोस्तों, तब तक आप कहीं ना कहीं जीवन को एक गलत नज़रिए से लेकर चल सकते हो और चल रहे हो, ठीक है? तो आपको अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट देखने की मिलनी है तो आपको ये बोला गया था हमारे कोट, एक आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जी के द्वारा, कि आप पृथ्वी को एक आवश्यकता के अनुसार अगर लेकर चलोगे, अपने नीड या अपने ज़रूरत के हिसाब से अगर यूज करोगे तो पृथ्वी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर आप इसको लालच के नज़रिए से यूज करना चाहोगे तो पृथ्वी बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इसको लालच के नज़रिए से ना देखा कीजिए। और आज हम एक मुद्दा लेकर आए हैं, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना महामारी चल रहा है, और इस कोरोना महामारी में हमारे सामने, सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, कोई भी गवर्नमेंट की बात करें, हम किसी भी गवर्नमेंट के पक्ष में, किसी गवर्नमेंट के विपक्ष में नहीं बोलना चाहते। लेकिन मैं एक ओरिएंटेड माइंड देना चाहता हूं आप लोगों को, एक सॉल्यूटेड माइंड देना चाहता हूं अपन वीडियो के जरिए, ताकि इस दुनिया, ये दुनिया समझ सके, आप समझ सके, हम समझ सके। और समझना भी बेहद ज़रूरी है, क्या चीज़ है, क्यों हम आज जिस ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, हम जिस ऑक्सीजन की बात करते हैं वो ऑक्सीजन हमें कमी पड़ रही है। और ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ रही है ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। ऑक्सीजन हम लोगों ने कभी पेड़ नहीं लगाया। पहले के लोग, हमारे दादाजी, आपके पिताजी, आपके दादाजी के पिताजी, वो पेड़ लगाते थे, पेड़ लगाना पसंद करते थे। इसलिए नहीं कि इनको पेड़ से ज़्यादा प्यार था, वो इसलिए करते थे कि वो आपके आने वाले जनरेशन से उनको प्यार था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम आज ये पेड़ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन हमारे लिए तो देगा ही देगा, यह ऑक्सीजन हमारे या लिए देगा ही देगा, या देगा या नहीं देगा, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूर ऑक्सीजन देगा। तो ये चीज़ उनके माइंड में होता था कि वो आगे वाले जनरेशन के लिए भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को ग्रो कराने में सहयोग देकर जाते थे। लेकिन आज की पीढ़ियाँ, आज के लोग अपने लिए भी तो नहीं लगा रहे हैं, अपने लिए पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो दूसरों के लिए क्या लगाएंगे। तो प्लीज़ एक पेड़ आप जरूर लगाएं, एक एक पेड़, अगर आप एक एक सदस्य के लोग एक एक पेड़ लगाएंगे तो बहुत सारे पेड़ हमारे देश दुनिया में मिल जाएंगे, और ऐसे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे देश में। तो ऐसा करिए कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत ना पड़े, और आपको ऐसे वेंटिलेटर, यानी कि ऐसे आपको मरीज देखने को ना मिले हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे इंडिया में। तो ये विश्व की स्तर पर बात हो रही है, इंडिया के स्तर पर बात नहीं हो रही है केवल। तो हमको पूरे विश्व को समझना चाहिए ये चीज़ का, हम कैसे इस चीज़ को टिकल कर चल सकते हैं। बात करें ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो इसके पीछे दो तीन कारण हैं। एक तो हम ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने बताया कि पहले से कि हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी ही पड़ेगी श्योर। दूसरी बात, सिलेंडर की बात करें तो इस सिलेंडर की भी कमी हो रही है।
सिलेंडर की कमी गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट 75% सिलेंडर, 75%, जी हाँ, बहुत लार्ज तरीके पे ये बोली जा रही है, 75% सिलेंडर जो होते हैं ऑक्सीजन के, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, कोयला खदान में ये कहीं ना कहीं यूज होते हैं, और मात्र आपको 15 से 20% आपको जो ऑक्सीजन होता है ये सप्लाई किया जाता है हॉस्पिटल्स में। तो आप देख सकते हो कि जान बचाने के लिए सरकार कम से कम यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को, बल्कि इंडस्ट्री के लिए, अपने फायदे के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, कंपनी के लिए, कोयले की खदान के लिए यहाँ पे 80% 75% यूज करती है आप हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। तो क्या आप जान सकते हो, क्या आप सोच सकते हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी क्यों पड़ रही है? आप जरूर सोच सकते हो, क्योंकि कम से कम सिलेंडर हमारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं 20% 10% मैक्सिमम, और 75% बाकी 80% हमारा इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और बाकी कार्यों के लिए, आपके कोयले के खदानों के लिए, वो सब जाते हैं। तो 80% जो हम, अगर हम 80% के जगह अगर हम उसको 20% कर दें, और 20% कर दें इंडस्ट्री के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और बाकी 80% अगर हम, उस 80% को हम कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल्स में लाते हैं, तो हमको ज़रूरत, हमको यहाँ पे कमी दिखाई नहीं देगी सिलेंडर की। तो सरकार को करना चाहिए कि मैक्सिमम यूज अभी तत्काल, आप लोग जान ही रहे हैं कि तत्काल हम लोगों को इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, हमको जान बचानी है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों का जान बचाना है, और जान बचाना, जान रहेगा तभी हम कोयला खदान खोद पाएंगे, तभी हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि कम से कम 80% सिलेंडर्स जो है ये हमारे हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया जाए, ना कि इंडस्ट्री और कोयला खदान में। तो बाकी गवर्नमेंट अभी कार्य की है, इस पर एक्शन लिया है उन्होंने, क्योंकि इसको देखते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला इसको, तो अभी एक्शन लिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, क्योंकि बहुत सारा सिलेंडर अभी प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे रेलवे के द्वारा, जो कि सप्लाई किया जा रहा है हर एक स्टेट्स में। तो ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन भी ले रही है। तो कहीं ना कहीं हमको ये भी मानना है कि 80% जो सिलेंडर्स है वो प्रोवाइड करना चाहिए हॉस्पिटल्स में, ना कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज में। तो ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीजन है। आप अगर देखने के लिए भी कहीं भी आए, या कोई भी कहीं पूछे कि क्यों ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है हमारे देश में, तो आप सीधे से बता सकते हैं कि 15% या 20% मिनिमम मैक्सिमम हमारे हॉस्पिटल्स में सिलेंडर को प्रोवाइड किया जाता है, बाकी 80% हमारा जो सिलेंडर्स होता है ये मैन्युफैक्चरिंग और हमारे कोयले के खदानों में, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी यहाँ कोयले खदानों में, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में देखने को मिल रही है। तो ये चीज़, ये बड़ा रीज़न आप बता सकते हैं। तो आप लोगों को प्लांट लगाना है, पौधे जितना लगाएंगे हम लोग को, ये देखिए हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, जो फ्री का ऑक्सीजन मिलता है उस पर हम लोग नहीं फोकस कर रहे हैं, और जो सिलेंडर क्या कमी पड़ गई यार, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस चीज़ को बचाने की जरूरत है, जरूरत पड़ रही है। तो क्या आप सोच सकते हो कि कितने लार्ज लेवल पे हम लोग कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होते हुए नजर आ रहे हैं? तो डिस्ट्रॉय ना हो, पृथ्वी को बचाइए, सेव रखिए, जीवन सेव है तभी आप कुछ भी आगे कर सकते हो। और निवेदन है कि आप लोग घर में रहिए, सेव रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, और ये महामारी है, महामारी चली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपने पॉजिटिव माइंड रखिए और आगे बढ़िए। सो यही था हमारा लेक्चर, और यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। सो वेरी वेरी थैंक यू, और देखिए शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, ठीक है, विद द बेल आइकन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू, जय हिंद।